वेलकम गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाइए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइस, आपके लिए कुछ खबर है कि आपके इंडिया स्टेट में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जो भारत के निवासी है, इंडिया के निवासी है, आप सबके लिए कुछ खबर है। ठीक है, फाइनली बीएससी नर्सिंग का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम की डेट थी, एप्लीकेशन फॉर्म थे, वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पर भरना स्टार्ट हो चुके, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर किस लैंग्वेज में होगा, कॉलेज की फीस क्या है, काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन कब होगी, सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये सारी जानकारी आपको चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फीस कितनी है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो ये वीडियो देख लो कम्प्लीट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, फॉर्म आ चुके हैं और रोज़ाना फॉर्म कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी स्टेट हो गया, रोज़ाना कहीं ना कहीं फॉर्म निकल रहे हैं, बट अभी जो फॉर्म निकला है वो ऑल इंडिया वालों के लिए निकला है। ठीक है, यानी कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिपमर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही जाना माना नाम है जिपमर। ठीक है, अगर इस यूनिवर्सिटी से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स या फिर कोई भी कोर्स करते हो तो आपकी डिमांड, आपकी वैल्यू इतनी अच्छी खासी बढ़ जाती है कि आपको जॉब की 100% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, यहाँ पर ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट का होता है, आप जैसों का। ठीक है, तो देखो इसके लिए करना क्या होगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप यहाँ से बीएस नर्सिंग करते हो तो आपकी डिमांड बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिपमर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यहाँ पे बीएस नर्सिंग के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, एमएस नर्सिंग के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंडिया में कोई भी स्टेट हो गया, जैसे आपके स्टेट में भी आएगा ना, उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो देखते रहिए ये वीडियो। देखिए, हमारा जो जिपमर में बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है वो 11 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल 11 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है, क्लोज ऑन, यानी कि 1 सितंबर को बंद हो जाएगा फॉर्म भरना, यानी कि आप 1 सितंबर से पहले पहले जिपमर बीएस नर्सिंग के फॉर्म भर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, 1 सितंबर से पहले पहले। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट डेट हो गई 1 सितंबर और स्टार्टिंग डेट है 11 अगस्त। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट कब होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट जो दी हुई है वो है 22 सितंबर 2020। ठीक है, यानी कि 22 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, चलते आगे की ओर, और एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको तैयारी की भी बहुत ज़रूरत है, तो तैयारी तो मैं करवा ही रहा हूँ, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे। ठीक है, एक्सपेक्टेड पब्लिक मेरिट लिस्ट, देखो ये मेरिट लिस्ट आपको 29 सितंबर को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आपका रिजल्ट, आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है, आपकी काउंसलिंग, सारी सूचना आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, चलते आगे की ओर, यहाँ पर जो कुछ शेड्यूल दिए हुए काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी मॉक काउंसलिंग रिजल्ट आपका 13/10 काउंसलिंग का रिजल्ट, और फाइनल अलॉटमेंट सीट आपको 20/10, ठीक है, 20 अक्टूबर को, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग आ सकता है, बट काउंसलिंग की फिक्र आप ना करें, पहले आपको फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, बस इसी पर आपका फोकस रखें। ठीक है, तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर किस प्रकार का होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, कितना टाइम हमको मिलेगा, और कौन कौन सी सावधानी हमको बरतनी है। ठीक है, तो ये सब हम जानकारी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए गाइस, यहाँ पर दो कोर्स, बीएससी की बात ये बोली थी ना कि बीएससी का मतलब यहाँ पर दो कोर्स, बीएससी नर्सिंग और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स, ये दो कोर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हम सीटों की संख्या भी यहाँ पर जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग की सीटें कितनी है और बीएससी एलाइड हेल्थ कोर्स की सीटें कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दी हुई है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। ठीक है, चलते आगे को, बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स होता है वो भी 4 साल का होता है। ठीक है, चलते आगे को, सारी सूचना आपको मिल जाएगी, और अब हम बात कर लेते हैं सीट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जो सीट्स है वो 94 है।
ठीक है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसमें से सिलेक्ट होते हैं। तो देख लो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी वैल्यू रहती होगी, कितनी डिमांड रहती होगी जिसने जिपमर से बी एस एन एल सेंग किए। ठीक है, तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए, किसी न किसी का सिलेक्शन हो ही जाए तो आपकी लाइफ सेटल है। ठीक है, चलते आगे को। ये बी एस सी हाईलाइट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई करना चाहे तो 87 सीट से। ठीक है, चलते आगे को। हमको बी एस नर्सिंग के बारे में जानना है, इसलिए मैं बी एस सी हाईलाइट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलते आगे। अगर आप कमेंट करोगे ना तो बी एस सी हाईलाइट के ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, आपको पता नहीं है तो फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है उसकी प्रोसेस में बता दूंगा, बट आप कमेंट करोगे तब। देखिए, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी फॉर्म की, जो जनरल वालों की 1500 रुपये, ओबीसी वालों की 1500 रुपये, और जो एस सी कैटेगरी वाले की उनकी 1200। ठीक है, 1200 उनकी रिजर्व कैटेगरी वालों की। ठीक है, और फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसमें हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है और क्या क्या पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पर होगा, आपको कंप्यूटर पर देना होगा। ठीक है, और जो इसकी स्टार्टिंग यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है ट्यूसडे को 22 सितंबर को है। ठीक है, 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा पक्का। ठीक है, पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि COVID-19 के कारण कोई भी चेंजिंग आ सकता है, बट यहाँ पर श्योर लिखा हुआ है, आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, कोई भी चेंजिंग आएगा तो जानकारी साइंस एम के चैनल पर आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, सो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत आपको साइंस एम के चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि साइंस एम के चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करने से सारी सूचना तुरंत आपको मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कितने टाइम का होगा, वो 1 घंटे और 30 मिनट का होगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर टाइम जो है कि आपका टाइम कितना है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, वो है 2 से 3:30। ठीक है, 2 बजे से आपका स्टार्ट होगा, 3:30 तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कब होगा? 22 सितंबर 2020 को। ठीक है, चलते आगे की ओर। क्लियर है ना ये बात? ओके गाइस, चलते आगे की ओर। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, बायोलॉजी से 20। ठीक है, और जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज है 10 क्वेश्चन, और जो आपकी लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसे 10 क्वेश्चन ओनली पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले जिपमर बीएस नर्सिंग में। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है इन तीनों सब्जेक्ट्स की, चारों सब्जेक्ट्स की। अगर इनकी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इनमें अच्छे नंबर लिया हो ना तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से फिजिक्स पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से केमिस्ट्री, किस प्रकार से बायोलॉजी। ठीक है, चलते आगे की ओर। सारी जानकारी आपको इसमें देखो, ये सिटीज़ है। ठीक है, एग्ज़ाम सिटीज़ फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया के 21 सिटीज़ में होगा। ठीक है, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, सारी कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ये सारा का सारा वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलते आगे को। पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ये कुछ आइडिया है जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, आधार, पासवर्ड, वोटर आई डी, ठीक है, 12th की मार्कशीट, ये तो आपको चाहिए चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका जो भी स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पटना, सब जगह आ जाएंगे और उसकी जानकारी आपको साइंस एम के एस पर मिलेगी, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पर प्रेस जो कर रखा है। ठीक है, जिस प्रकार आपको जिपमर की सूचना मिली है, KGMU की मिली है, BHU की मिली है, उसी प्रकार आपको सब स्टेट की मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो राजस्थान, MP, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यानी कि बहुत सारे स्टेट, इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, उत्तराखंड यहाँ के है, तो मेरे को सभी के लिए बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है 22 को तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, चलते आगे की ओर। सारी सूचना हम इसमें गेन करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, देखो साइंस एम के जानकारी बताता है तो पूरी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड आपका जो एग्जामिनेशन का मोड है वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CBT, यानी कि कंप्यूटर पर होगा आपका एग्ज़ाम। ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी 22 सितंबर को है। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट यहाँ पर सिंगल शिफ्ट में होगा आपका। ठीक है, टाइमिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है आपका टाइम एग्ज़ाम का 2 से 3:30 है। ठीक है, लोकेशन ऑफ सेंटर देखिए,
आपका जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर 21 सिटीज़ में होने जा रहा है ये जिमर का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया के 21 सिटीज़ में कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर की बात करें तो आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है, इंग्लिश ओनली इंग्लिश, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, MCQ जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी तैयारी मैं हर बार कराता हूँ और बहुत सारे उनको पढ़ते भी है, तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ वो भी MCQ पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नर्सिंग की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे पूछते सर आप तैयारी करवा रहे हो, जी हाँ बिल्कुल, मैं फॉर्म के बारे में बताता हूँ और कुछ MCQ भी मैं आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भी सिलेक्शन ऐसे ही हुआ था, ठीक है, हम भी सिलेक्टेड है। चलते आगे को, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके जिमर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसकी बात हम कर चुके थे कि फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20, बायोलॉजी से 40, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा है, तभी तो मैं बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ, हर जगह बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते आगे और ये इंफॉर्मेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको इजीली रिसीव कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, कुछ खबरी होनी चाहिए कि हर रोज़ कहीं ना कहीं पर इंडिया में BSc नर्सिंग के GNM के फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, थीके? तो बहुत ही जल्द आपका जो भी स्टेट है वहाँ पर भी आ जाएंगे, बट मैं जो भी इंडिया के निवासी है उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है। यहाँ पर फीस की हम बात कर लेते हैं कि कितनी फीस लगेगी आपकी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, तो यहाँ पर फीस बहुत ही कम है, एडमिशन फीस आपकी 2500 रुपये, एकेडमिक फीस आपकी 1200 रुपये, ठीक है, जिमर की। यहाँ पर जो स्टूडेंट एसोसिएशन फीस है 1000 और जो लर्निंग रिसोर्स फीस है वो है 4000 और कार्पस पॉइंट की इसमें 60 और जो ट्रांसफीस फीस में दी हुई है 250 और आइडेंटिटी कार्ड की 150, यानी कि टोटल 9160, ठीक है, क्लियर। तो इतनी सी फीस दी हुई है और यहाँ पर BSc LIT की बात करें तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर ये दी हुई है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में भी तो इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बात की और फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि हमने क्लियर कर चुके हैं कि इसके फॉर्म कब भरेंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये भी हमने जान लिया, और इनके कितने एग्जामिनेशन सेंटर ये भी हमने जान लिया, यानी कि सब कुछ जान लिया, फीस क्या है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो गाइस तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये याद रखना कि 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, इसी को मान के आपको चलना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो, ठीक है। सो गाइज, सोचना क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल कर लीजिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, कोरोना वायरस के भी मिल जाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए अभी जो यहाँ पर मैंने बताया, तो उसका भी PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी चेंजिंग आए या फिर इंडिया में कहीं पर भी, चाहे हो राजस्थान हो, MP हो, UP हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर अगर फॉर्म आए तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। ओके गाइज़।